तो आईपीएल के करीब दो महीने से ज्यादा का वक्त के बाद आईपीएल की वो दो टीमें मिल गई हैं जो कल फाइनल में भिड़ने वाली हैं। दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने बेहतरीन जबरदस्त जबरा प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 36 रनों से हरा दिया। अब कल का इंतजार है, लेकिन क्वालिफायर टू के मुकाबले ने इतना बता दिया है कि फाइनल वही जीतेगा जो प्रेशर को झेलेगा। आज हम उसी प्रेशर की बात करेंगे जिसे कल जिस टीम ने भी झेल लिया वो फाइनल की ट्रॉफी उठाएगा। साथ ही आज की रिपोर्ट में बताएंगे कि कल वो कौन सी गलतियां थीं जिसकी वजह से राजस्थान को हार मिली और कल केकेआर और हैदराबाद उन गलतियों से कैसे बचें। देखिए, चेन्नई के चेपॉक में स्पिनर्स का तूफान, एसआरएच के तूफान में उड़ा राजस्थान, दो टीम्स तैयार अब फाइनल का वार, केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद ट्रॉफी उठाने को तैयार। तैयार हैं वो दो टीम्स जिसे पहले मैच से इस आईपीएल का फाइनलिस्ट माना जा रहा था। कल मैदान में एक तरफ श्रेयस के सुपर हीरोज होंगे तो दूसरी तरफ कमिंस के रणबांकुरे। दोनों टीम्स फाइनल की तैयारी में जुट गई हैं। अब तो बस कुछ घंटों का ही इंतजार है जब 2024 के आईपीएल का विजेता मिल जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स को करीब 6 साल के बाद हराकर फाइनल में पहुंची है। अब कल केकेआर से भिड़ेंगी। क्वालिफायर टू के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों ने ये बता दिया कि सिर्फ 200 प्लस स्कोर करके ही नहीं बल्कि कम स्कोर में भी मैच जीतने का मादा रखते हैं। सबसे पहले बात आपको बता दें कि वे कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी बदौलत हैदराबाद फाइनल में पहुंचा। पहला नाम है हेनरी क्लासेन का, जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में 34 गेंदों में 50 रन की पारी खेली, 4 छक्के। शाहबाज अहमद ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट झटके। बल्ले से कहर बरपाने वाले अभिषेक शर्मा ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 अहम विकेट चटकाए। ये वही खिलाड़ी हैं जिसकी बदौलत टीम फाइनल में पहुंची। इनके प्रदर्शन से इतना तो साबित हो गया कि चेन्नई के चेपॉक में दूसरी पारी में स्पिनर्स बल्लेबाजों के लिए कहर बन जाते हैं। अब जरा राजस्थान की हार की वजह को टटोलते हैं। उनकी हार से कोलकाता सतर्क हो जाए और वो ये समझ लें कि फाइनल में जीत के लिए वो कौन सी गलती है जो उन्हें नहीं करनी। आखिर राजस्थान की बैटिंग कैसे फेल हुई? राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी दूसरे क्वालिफायर में फेल रही, बड़े मैच में प्रेशर नहीं झेल पाए जिसकी लगातार विकेट्स गिरती रही। ये वो तीन कारण थे जिसकी वजह से राजस्थान की उम्मीदें चूर चूर हो गई, ख्वाब टूट गए, सपने अधूरे रह गए और एक बार फिर फाइनल की ट्रॉफी उठाने से टीम चूक गई। राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 21 गेंदों में 42 रन बनाए और ध्रुव जुरेल ने 36 गेंदों में 54। इन दोनों के अलावा कोई बल्लेबाज कुछ न कर सका। इनके अलावा न कप्तान संजू सैमसन कुछ कर पाए, न रियान पराग। राजस्थान की टीम 20 ओवर में 139 रन ही बना पाई। अब ऐसे में कोलकाता को इतना तो समझ जाना चाहिए कि अगर फाइनल जीतना है तो फिर चैंपियन की तरह खेलना होगा। अगर पहले गेंदबाजी करते हैं तो अपने तेज गेंदबाजों को तैयार कर लें, क्योंकि पहली पारी में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है तो वहीं दूसरी पारी में स्पिनर्स को। तो वहीं हैदराबाद कल की तरह अगर प्रेशर झेलने में कामयाब रही तो उसका ट्रॉफी उठाने का सपना पूरा हो सकता है। और हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके जरिए हम रोज क्रिकेट को और खास तौर पर आईपीएल को डिकोड करते हैं। कल ये महामुकाबला होना है। अमृत आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे खेल से जुड़े मामलों पर जो हमारे साथ अक्सर आपने देखा है। वैभव, मैंने जैसे कल भी कहा, इनकी बहुत बारीक नज़र खास तौर पर क्रिकेट पर होती है। अमृत, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, तो कल है महामुकाबला, क्या कुछ आपको नज़र आता है इस महामुकाबले में और ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर आगे बात करेंगे, लेकिन कल के मुकाबले को लेकर सबसे पहले आपका ओपिनियन। देखिए ललित, जिस तरह से मुकाबला खेला गया कल, जो हम बात भी कर रहे थे ललित की, गलती की गुंजाइश नहीं है। जो टीम मैदान पर दमखम दिखाएगी वो मुकाबला लेकर जाएगी। और हैदराबाद ने सरप्राइज किया अपनी बॉलिंग से। बल्लेबाजी तो आप जानते हैं हैदराबाद की बहुत अच्छी रही है, लेकिन गेंदबाजी ने कल कमाल कर दिखाया। और यही कहते हैं क्रिकेट के मूवमेंट्स होते हैं, गोल्डन मोमेंट्स क्या होते हैं, कि जब कोई आउट ऑफ बॉक्स प्लेयर बाहर आता है, अच्छी गेंदबाजी करता है और मैच आपसे छीन के ले जाता है। यही सावधानी बरतनी होगी केकेआर को अगेंस्ट हैदराबाद। उन्हें पता है कि हैदराबाद समझ चुके हैं कि उन्हें मैच जीतना कैसे है, और इसके लिए मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर की जो गेम प्लानिंग है वो सटीक रहती है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। केकेआर को अगर ट्रॉफी उठानी है
तो उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। यानी 40 ओवर, 20 ओवर की बल्लेबाजी, 20 ओवर की गेंदबाजी में हर कदम फूंक के रखना होगा, क्योंकि हैदराबाद पूरे दमखम के साथ पहुंची है यहां पर। यानी संडे सुपर संडे होगा, दमदार मुकाबला होगा, और हम मैं जरूर चाहूंगा कि एक हाई वोल्टेज मुकाबला हो, रोमांच हो, आखिरी गेंद तक मुकाबला जाए, ताकि रोमांच जो आईपीएल का है वो बना रहे। ललित, बिल्कुल, पैसा वसूल रोमांच होना चाहिए। वैभव ये लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, मेरा ख्याल है केकेआर तीसरी बार राजस्थान और जो सॉरी हैदराबाद है दूसरी बार, उसकी उम्मीद होगी कि वो वहां से इस मुकाबले पर कब्जा करके निकले। क्या कुछ आपको नजर आता है कल के मुकाबले को लेकर वैभव? ललित देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि केकेआर जो है वो अपना चौथा फाइनल खेलेगी कल, और एसआरएच जो है वो अपना तीसरा फाइनल खेलेगी। इसके पहले केकेआर ने 2021 में अपना फाइनल खेला था, और उसके पहले एसआरएच ने 2018 में खेला था, और दोनों ही टीमें जो है सीएसके के सामने खेल रही थी और हार गई, और फिलहाल सीएसके तो है नहीं। तो आज इस बार किसी न किसी की जो है उम्मीदें तो पूरी होंगी, कहीं ना कहीं तो ट्रॉफी जाएगी, या तो कोलकाता जाएगी या हैदराबाद जाएगी, ये तो तय है। अब बात कर लेते हैं कि केकेआर ने 2012 और 14 में ट्रॉफी जीती थी आईपीएल की, उस समय गौतम गंभीर कप्तान थे, और एक दफ़ा फिर उस खेमे में गौतम गंभीर कोच के रूप में मौजूद हैं, और उनकी गेम प्लानिंग जैसा कि अमृत बात कर रहे थे वो बहुत सटीक रहती है। और उनका कहना भी है कि मैं हारे हुए ड्रेसिंग रूम में जाना नहीं चाहता, मेरी मेंटेलिटी हमेशा ये रहती है कि मुझे गेम जीतना है। इसी मेंटेलिटी के साथ मैंने 2007 का वर्ल्ड कप जीता, उसमें भी उनका धुआंधार परफॉर्मेंस था। इसी मेंटेलिटी के साथ 2011 के वर्ल्ड कप में उन्होंने धुआंधार पारी खेली थी श्रीलंका के खिलाफ, सबने वो देखा था। और एक बार फिर आप देखें केकेआर का परफॉर्मेंस जो है वो एकदम पूरी तरीके से चेंज हो गया है, और अगर केकेआर जो है खेलने के लिए उतरेगी तो एसआरएच को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो गलती ना करें जो पहले क्वालिफायर में की थी। क्योंकि फिर ये आते हैं शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, तो अब हर बार वो चीज चलेगी नहीं, क्या पिच, हर बार आए हाँ, और बड़े पिच बड़े बहुत ज्यादा बैटर फ्रेंडली है नहीं। चलिए, वक्त की आज थोड़ी सी जी वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं आप दोनों को रुक रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और एक दूसरे बड़ी खबर का हमें रुक कर